नमस्कार, सोहार मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर एक उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की गई जान, छह की बिगड़ी तबीयत। उत्पाद सिपाही की दौड़ ने आज फिर एक युवक की जान ले ली है। इस बार गिरिडीह में युवक ने दम तोड़ा है। युवक राजधनवार का निवासी 28 वर्षीय विरंची राय था। घटना शुक्रवार की सुबह की है। घटना को लेकर मृतक के चचेरे भाई चंदन राय ने बताया कि विरंची राय उत्पाद सिपाही की बहाली में शामिल होने आया था। शुक्रवार की सुबह वह दौड़ में शामिल हुआ। दौड़ के दौरान उसने 1800 मीटर कंप्लीट भी कर लिया था। इसके बाद उसकी सांसें फूलने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे प्रशासन के द्वारा ही किसी तरह सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदन राय ने बताया कि जहाँ दौड़ हो रही है वहाँ मेडिकल व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इसी लापरवाही के कारण युवक की जान चली गई है। इधर शुक्रवार को ही 6 अभ्यर्थी बीमार पड़ गए, जिनकी तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनमें हजारीबाग के कुशनवाज आलम, निमिया घाट के संतोष कुमार, सरिया के राजकुमार सिंह, धर्मदास पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा के त्रिभुवन यादव और रामगढ़ के बबलू बेदिया शामिल है। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, हेमंत सरकार लेगी कई अहम फैसले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में आज शाम 4 बजे से शुरू हो गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर राज्य सरकार मुहर लगा सकती है। इससे पहले 6 सितंबर 2024 को कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार कई अहम फैसले लेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग में संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त कनीय अभियंताओं को अनुषांगिक इकाइयों में संविदा पर रखे जाने पर फैसला लिया जाएगा। वहीं ज्ञानोदय योजना के तहत 291 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन व संचालन की स्वीकृति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन योजना के लाभुकों को पीवीसी स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग चाईबासा में हाट गमरिया बेनीसागर के निर्माण के लिए 31.69 करोड़, दुमका के सेरैया हाट चुंबेश्वरनाथ के निर्माण के लिए 38.28 करोड़ की स्वीकृति को मंजूरी मिल सकती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति भजनिया मोहम्मदगंज हैदरनगर रोड के लिए राज्य के अंश के तौर पर 23.36 करोड़ के राज्यांश को भी स्वीकृति मिल सकती है। झारखंड सीजीएल की परीक्षा कल, जाने जरूरी दिशा निर्देश। झारखंड सीजीएल परीक्षा का आयोजन कल और परसों यानी कि 21 और 22 सितंबर को पूरे झारखंड में किया जा रहा है। परीक्षा का एडमिट कार्ड 17 सितंबर को आ गया था और इस परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में हलचल है। सभी जिला उपायुक्तों को भी इस परीक्षा को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 19 सितंबर को इस परीक्षा को लेकर एक बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके द्वारा खास दिशा निर्देश दिए गए। ऐसे में परीक्षा से पहले जाने इससे जुड़े कुछ खास नियम जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला, परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें। दूसरा, एडमिट कार्ड के साथ अपने पास अपना एक वैलिड फोटो आईडी होना अनिवार्य है। तीसरा, अपने साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लेकर जाएं। चौथा, परीक्षा केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज किताब ले जाना सख्त मना है। पांचवा, ओएमआर शीट को ध्यान से भरें। गलती से भी अगर आप 2 विकल्प चुनते हैं तो आपके उत्तर को अमान्य माना जाएगा। इसी के साथ झारखंड सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होने वाली है और दोनों ही दिन ये परीक्षा 3 पालियों में होगी। हर पेपर 2 घंटे का होगा और हर पेपर के बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा। राष्ट्रपति ने राजभवन में मूर्ति गार्डन का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से परिकल्पित झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं से सुसज्जित मूर्ति गार्डन का उद्घाटन शुक्रवार को राजभवन में किया गया। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मौजूद थे। इस मूर्ति गार्डन में स्वामी विवेकानंद के अलावा अतिरिक्त झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गया मुंडा, जतरा टाना भगत, तेलंगा खड़िया, नीलांबर पीताम्बर, सीधो कान्हू, तिलका मांझी, दीवा किसून, वीर बुधू भगत के अतिरिक्त परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एका की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। शाह बोले, लालू जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठी है, सरकार बदल दो, रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। जिले के पुलिस लाइन मैदान से सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आज यहां से झारखंड के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गाँव गाँव में जाएगी, घर घर तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड से भ्रष्टाचारियों की सरकार हटाकर परिवर्तन करना है। इस दौरान शाह ने झारखंड में रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर भी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है घुसपैठी है। वोट बैंक के डर से ये लोग घुसपैठ को नहीं रोकते हैं। आप झारखंड की सरकार बदल दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक रोहिंग्या घुसपैठ को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकालने का काम हम करेंगे। शाह ने आगे कहा कि हेमंत सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। झारखंड में सभी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। इससे पहले शाह ने भोगना डीह में वीर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शाह सबसे पहले देवघर पहुंचे, यहां से वे सेना के हेलीकॉप्टर से साहिबगंज पहुंचे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। खूंटी में आदिवासी नाबालिग के साथ 5 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, स्कूल से घर लौट रही थी पीड़िता। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना घटी है। यहाँ एक आदिवासी स्कूली छात्रा के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना बुधवार दोपहर की है, जब छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। पुलिस को इसकी जानकारी गुरुवार को दी गई। इसके बाद से पुलिस टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता स्कूल के छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक से 5 युवक आए और बाइक सड़क पर खड़ी कर दी। इसके बाद युवक पीड़िता को खींचकर खेत में ले गए। खेत में सभी ने मिलकर पीड़िता का सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी। पीड़िता के परिजनों ने थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। मामले को लेकर डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। झारखंड में बदला मौसम, गर्मी ने बढ़ाई परेशानी। 24-25 सितंबर को हो सकती है बारिश, गोड्डा रहा सबसे गर्म। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बीते दिन पूरे राज्य में बारिश हुई, लेकिन 24 घंटे में ही मौसम फिर से गर्म हो गया। झारखंड के अधिकांश जिलों में सुबह से तेज धूप निकल रही है। इस तेज धूप ने राजधानी रांची सहित पूरे स्टेट में अधिकतम तापमान को बढ़ावा दिया है। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ चुका है। हालांकि आज राज्य के कई हिस्से में हल्की बारिश की बात कही गई है। बीते 24 घंटे में मानसून की गतिविधि कमजोर रही है, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। आंकड़े में देखें तो सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में 16.8 एमएम बारिश हुई है, जबकि सबसे अधिक तापमान की बात करें तो गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। यहां का तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अभी मानसून की बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। लोकल डिस्टरबेंस में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की बात तो नहीं कही है, पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जरूर जारी किया है। 21 से लेकर 23 सितंबर तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर आएगा। 24 और 25 को बादल छाने और बारिश के आसार हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल की बाढ़ को बताया साजिश, झारखंड बॉर्डर 3 दिन तक किया बंद। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच बाढ़ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में 3 दिनों तक लगातार हुई बारिश के कारण मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ने के बाद से पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड सरकार और डीवीसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर पानी छोड़ा जा रहा है, इसीलिए यहां बाढ़ की स्थिति बनी है। ममता बनर्जी ने इस बारे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 17 सितंबर को बात की। इसके बाद से ही बंगाल झारखंड बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इससे झारखंड से जाने वाली मालवाहक ट्रकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड बंगाल सीमा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश से 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। गुरुवार शाम से ही कुल्टी थाना की चौरंगी पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड पुलिस डीबूडी चेक पोस्ट पर खड़ी हुई है। पुलिस झारखंड से आ रही सभी मालवाहक गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोक रही है और फिर उन्हें वापस भेज दे रही है। पहले इस बात की जानकारी नहीं होने के कारण चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रक वहां फंस गए हैं, इससे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। मामले को लेकर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि डीवीसी ने 5 लाख क्यूसेक पानी 3 दिनों में छोड़ा है, इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति
स्थिति हो गई है। ममता बनर्जी ने डीवी से संपर्क तोड़ने की भी बात कह दी है। इससे विवाद और गहरा हो गया है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पलामू के होटलों में की गई चेकिंग। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को रांची समेत अन्य जिलों में आयोजित होने वाली है। पलामू जिले में भी परीक्षा के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। पलामू जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए देर रात कई होटलों में चेकिंग अभियान चलाया। एसडीएम अनुराग तिवारी और सीओ अमरदीप बल्होत्रा के नेतृत्व में टीम ने मेदिनीनगर शहर कई होटल में औचक निरीक्षण किया। होटलों में ठहरे लोगों की आईडी की जाँच की गई और उनके सामानों की भी चेकिंग की गई। वहीं कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। जानकारी हो कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में 6.50 लाख यानी कि 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। परीक्षा 3 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली 11:30 बजे से 1:30 बजे तक और तीसरी पाली 3 बजे से 5:00 बजे तक होगी। इस परीक्षा को पहले 28 जनवरी को आयोजित किया गया था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने गुरुवार को अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की है। एनसीबी की टीम ने चतरा में की छापेमारी, अफीम तस्कर को दबोचा। गृह विभाग के निरोधात्मक कार्रवाई के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को चतरा में बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी की टीम सदर पुलिस के सहयोग से चतरा के अफीम कारोबारी रामू साव को गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई। गिरफ्तार तस्कर रामू साव सदर थाना क्षेत्र के रामटुंडा गांव का रहने वाला है। फिलहाल वह शहर के जतराही बाग इलाके में घर बनाकर रह रहा था। कारोबारी रामू साव की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने कहा कि एनसीबी की टीम चतरा आई थी। टीम ने शहर के जतराही बाग स्थित आवास से रामू साव को गिरफ्तार किया और अपने साथ रांची ले गई। उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से गृह विभाग के आदेश पर एनसीबी की टीम निरोधात्मक कार्रवाई की करती है। इस कार्रवाई के तहत नशे का कारोबार करने वाले पेशेवर कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बंगाल सीमा पर वाहनों को रोकने पर भड़के बाबूलाल, असंवैधानिक कार्रवाई बताया, हेमंत से भी पूछे सवाल। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो झारखंड को पानी छोड़ना ही पड़ता है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे लेकर वाहनों को रोका जाना कहीं से भी जायज नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही से झारखंड का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, साथ ही वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। क्या नेशनल परमिट वाले वाहनों को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के लिए अलग से परमिट लेना पड़ेगा? बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आज तक झारखंड में जितने भी डैम बनाए हैं उनमें झारखंड की जमीन गई है। झारखंड के लोग विस्थापन का शिकार हुए, लेकिन बिजली पानी का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को मिल रहा है। इन सबके बाद भी ममता बनर्जी असंवैधानिक तरीका अपनाकर वाहनों को रोक रही है। झारखंड से मेरा विशेष लगाव है, यहाँ आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के जैसा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज इस संस्थान के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, मेरा झारखंड के प्रति विशेष लगाव है। धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती पर आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान है, यहाँ के लोगों से बहुत स्नेह मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICARNISA के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा कि किसान आज भी गरीबी में जी रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मधुमक्खी और पशुपालन पर भी जोर दिया और बोला कि इससे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। इस दौरान मंच पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पौधारोपण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे के साथ की। उन्होंने कहा कि झारखंड में उनका विशेष लगाव है। 2017 में इस संस्थान के साथ मिलकर कृषि मेले का उद्घाटन किया था। संस्थान ने लाह रेजिन जैसे कई उत्पादों में विशेष योगदान दिया। लाह के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करने का मौका मिला। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बिहार से पुलिस ने दबोचा।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल पेपर लीक मामले में पुलिस ने पटना से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा और शंकेश है। रांची से पटना गई पुलिस ने दानापुर कैंट से वीरेंद्र कुमार शर्मा और मनेर के काजी मोहल्ला से शंकेश कुमार गोंड को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने कई अहम तथ्यों का खुलासा किया है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पेपर लीक करने की बात स्वीकार की है। उक्त दोनों आरोपी मामले के अप्राथमिक अभियुक्त है। उनके पास से जब्त मोबाइल फोन से स्नातक स्तरीय परीक्षा से संबंधित कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। वहीं कई परीक्षार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा मार्कशीट भी मिली है, इस जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस संबंध में केस के आईओ अमर कुमार पांडे ने बताया कि जांच के क्रम में उन्हें उक्त आरोपियों के संबंध में जानकारी मिली, उसके बाद इस मामले के लिए बनाई गई एसआईटी पटना पहुंची, उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार से मवेशी चोरी करने आए लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ा, कार, गाय, मोबाइल सब छोड़कर भागे। झारखंड में मवेशी चोर अब गाय चोरी करने के लिए छोटी कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के गांडे में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। छोटी कार में गाय चोरी करने के लिए पहुंचे मवेशी चोरों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। ग्रामीणों को देखकर सभी चोर वहां से भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने कुछ मवेशी चोरों को देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। जैसे ही चोरों ने ग्रामीणों की शोर सुनी वे वहां से उल्टे पैर भागे। चोरों में ग्रामीणों को देख ऐसा डर बैठा कि वे अपनी कार और मोबाइल फोन तक छोड़कर भाग गए। ग्रामीण कार के पास पहुंचे तो देखा कि सेंट्रो कार में एक गाय को रखा गया है। घटना गिरिडीह जिले के गांडे के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुदुडीह गांव की है। घटना की सूचना मिलने पर मुखिया नवीन कुमार वर्मा और अहिल्यापुर थाना प्रभारी दलबल के साथ वहां पहुंचे। झारखंड के पानी से बंगाल में बाढ़ पर विवाद गहराया, नेता प्रतिपक्ष का आरोप, सीएम हेमंत को धमकाती रहती है ममता। झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ने की वजह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने पर दोनों प्रदेशों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिन तक झारखंड बिहार सीमा सील करने के निर्देश की वजह से बॉर्डर पर भारी वाहनों की कतार लगी हुई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को धमकाती रहती है। सीएम को इतना दब्बूपन दिखाना ठीक नहीं है। झारखंड के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मसानजोर समेत झारखंड में कई डैम हैं जिसके पानी की वजह से पश्चिम बंगाल में सिंचाई हो पाती है। डैम की वजह से झारखंड के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे रहते हैं। इस बार भारी बारिश हुई है। अब प्राकृतिक आपदा में डैम का फाटक नहीं खोला जाएगा तो कई इलाके डूब जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि अक्सर ममता बनर्जी झारखंड के सीएम को धमकाती रहती है, लेकिन झारखंड के इस अपमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चुप बैठ जाना बुजदिली की निशानी है। बिचौलिए इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई अपने जेब में भर रहे हैं, हेमंत सोरेन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 वर्षों तक इस राज्य का मार्गदर्शन किया और आज देश को नई दिशा दिखा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कागजों में भी आंकड़े बड़े बड़े दिखाते हैं। आज हम 50-55% लाभ उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन पहले हम 70% लाभ उत्पादन करते थे। किसानों के प्रति आज क्या हालत है वो किसी से छिपा नहीं है। किसानों का खेत से लेकर बाजार तक का जो सफर है, वहां बिचौलियों की कोई जगह ना हो। आज मुझे लगता है कि बिचौलियों की जमात इतनी शक्तिशाली हो गई है कि आपके मेहनत की गाड़ी कमाई वो अपने जेब में भर रहे हैं। 250 करोड़ में बनेगा पंडरा से कांके रोड तक फोरलेन रोड, निविदा फाइनल। 250 करोड़ में पंडरा से कांके रोड तक फोरलेन रोड का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसके निर्माण के लिए निविदा फाइनल कर दिया है। श्रीराम कंस्ट्रक्शन को इसका काम दिया गया है। करीब 91 करोड़ सड़क निर्माण में व शेष राशि भू अर्जन व यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य में खर्च किए जाएंगे। करीब 5.5 किलोमीटर रोड का निर्माण होगा जो पूरी तरह से नई होगी। इसके निर्माण से पंडरा से कांके रोड आने के लिए रातू रोड नहीं आना होगा। अंदर ही अंदर डैम के बगल से यह रोड निकाली जाएगी। जमीन अधिग्रहण के लिए पहले ही रैयतों को नोटिस दिया जा चुका है। सारी कार्यवाही पूरी करके इस पर काम भी प्रारंभ किया जाएगा। वीआईपी और वीवीआईपी के उड़ान के लिए अब बेल 429 हेलीकॉप्टर की सेवा, 30 घंटे के लिए सालाना खर्च होंगे 16.74 करोड़।
राज्य के विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों के उड़ान भ्रमण कार्यक्रम को संपादित करने के लिए उड़ान गारंटी के आधार पर हेलीकॉप्टर बेल 429 की अब सेवा ली जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी नागर विमान प्रभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। L1 दर पर 2+5 सीटर ट्विन इंजन बेल 429 हेलीकॉप्टर की सेवा 30 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी के आधार पर प्राप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए प्रतिमाह 1,39,50,000 GST अतिरिक्त के साथ खर्च आएगा। इस राशि से 30 घंटे की उड़ान हो सकेगी। इससे अधिक उड़ान होने की स्थिति में प्रति घंटा दर ₹4,65,000 मात्र के आधार पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ के मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। कपिल सिब्बल बोले, पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में हो रहा PIL का इस्तेमाल। घुसपैठ के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ वर्चुअल मोड में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शामिल हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इससे संबंधित कोई आंकड़ा शपथ पत्र के माध्यम से नहीं दिया गया है। अदालत में उनकी ओर से यह भी जानकारी दी गई कि इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि कपिल सिब्बल ने कि इस याचिका का इस्तेमाल पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में हो रहा है। राज्य में आने वाले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है। सचिवालय में एक का तबादला, एक का स्थगित। झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिक एवं ई गवर्नेंस विभाग सुनील कुमार को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक खेलकूद निदेशालय पर्यटन विभाग में अवर सचिव के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। वहीं 1 जुलाई 2024 की तिथि से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में स्थानांतरित उप सचिव फिलिप लकड़ा का तबादला आदेश रद्द करते हुए उन्हें पेयजल विभाग में उप सचिव के पद पर बनाए रखा गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा, युवाओं को दी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारियां। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की है। इस बार बाबूलाल ने कई युवाओं को अपने कार्य समिति में स्थान दिया है। इसमें युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई है। 27 वर्षीय रजनीश पांडे को प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी बनाया गया है। वे पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि रजनीश पांडे ने रांची से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है और बीजेपी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्हें पहले जिला में सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए विशेष महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक प्रभावी साधन बन चुका है, जिससे पार्टी की नीतियों और योजनाओं को तेजी से जनता के बीच पहुंचाया जा सकता है। वहीं रजनीश पांडेय ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों को मजबूती से प्रचारित किया जाएगा। इसके अलावा वे डिजिटल माध्यमों पर भी पार्टी को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।